संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो भगवान जब पंचवटी में पहुंचे तो रावण की बहन सुपर्णखा आई और उसने आकर के मेरे बंधुओं साधु हुए सनक के माता जानकी का हरण किया। भगवान श्री राम को पता चला, दोनों भाई ढूंढते हुए जा रहे हैं, चारों तरफ पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान रो रहे हैं, सब चारों तरफ पूछ रहे। सो मैया ने भोलेनाथ से कही, बाबा ये कौन है? भोलेनाथ कहने लगे, सती जी, भगवान जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म होता है तब तब अवतार लेकर आते हैं। ये अवध में राम आए हैं, अवतार लेकर प्रभु हैं। Yeah।
देखा तो कहा ये प्रभु है। माता को संशय हुआ, कहने लगे नहीं मानती हो तो फिर क्या कहना चाहती। बोले प्रभु मुझे भरोसा नहीं कि भगवान है, तो मैं तो परीक्षा लेंगे। भगवान ने कही जो तुम्हारे मन अति संदेह हुई तो किन जाए परीक्षा ले, जा चली जा। अब मां गई और जिस रास्ते से राम जी आ रहे हैं उसी रास्ते पर जानकी का रूप बनाकर बैठ गई। और राम जी आए, आते ही प्रेम प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे है, हे शिवे यहाँ क्या करती, कैलासी कहाँ विराजे, मैया तुम यहाँ और मेरे भोलेनाथ कहाँ छोड़ो। और जैसी इतनी बात कही तो मेरे बंधु ध्यान रखना पैरों तले धरती खसक गई। अरे हमें लग रही पोल खुल गई, अब तो मैया भागना चाह रही, जिधर जाए भगवान नजर आ रहे। वैसे हाँ करो हेलो बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों भगवान ने जैसे ही देखा सती परीक्षा लेने गई। वैसे राम जी ने आकर के माता को प्रणाम किया है, आते ही प्रेम प्रणाम किया, क्योंकि भगवान राम स्वयं आदर करते हैं जो आद शक्ति आद भवानी। मेरे आते ही प्रभु राम ने प्रणाम किया और जैसे ही माता जी गई भोले बाबा ने कही कहो परीक्षा ले आई। तो माता सती कहने लगी बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा ली न घुसाई, कछु न परीक्षा ली न घुसाई, कछु न परीक्षा ली न घुसाई, न बसी से तुम्हारी भाई प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, और तीन आशीष तुम्हारी नहीं। बोले जैसे तुमने आशीर्वाद दिया वैसे ही हमने। भगवान भोलेनाथ गए, समझ गए कि मां के मन में संशय तो हुआ।